इस समय में अगर आप करण नगर इलाके से बाहर आते हैं तो बिल्कुल एक केशव भवन के साथ ये एक 50 साल पुरानी दुकान है जिसे आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा तोड़ दिया गया है। पीला पंजा चला है इस दुकान के ऊपर और आप ये देखेंगे पूरी तरह से इस दुकान को जो है तोड़ा गया है। जिनकी ये दुकान है वो पिछले 50 साल से ये दुकान चला रहे हैं और आज सुबह उन्हें क्या पता था कि ये पूरी दुकान जो है उनकी तोड़ दी जाएगी। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये बिल्कुल विजुअल्स उनकी दुकान के हैं जहाँ पर पूरी तहस नहस कर दी है ये दुकान। इन लोगों को कोई किसी तरह का सुबह नोटिस नहीं दिया गया कि भाई आपकी दुकान तोड़ने जा रहे हैं और ये इनकी पूरी दुकान है जिसे तोड़ दिया गया है। ये विजुअल्स आपके सामने हैं और जिनकी ये दुकान है लगभग 50 साल पुरानी उनकी दुकान है जिस दुकान को ये तोड़ दिया गया है। मैं उनसे भी बात करूंगा और उनसे भी जानकारी चाहेंगे कि आखिरकार क्या उनसे सुबह कोई बात की गई जब ये दुकान तोड़ी गई। जोगिंदर पाल जी नाम है जिनकी दुकान है ये और ये गुप्ता ढाबा हाईवे था जिनकी ये दुकान थी और आज सुबह के समय इनकी ये दुकान तोड़ दी गई है। जोगिंदर जी के गल हुई और किन्ने बजे आए म्युनिसिपैलिटी वाले थे बुलडोजर? 11 बजे आए। कोई सुनाया भी नहीं, ना कोई नोटिस दिता ना कुछ। कल ही आए का 10 बजे में क्या है क्या सीमा स्टे काफ़ी दसी मैंने स्टे आगे स्टे काफ़ी नहीं चल रही थे लिया करेन उन्हें फटोफट तोड़ी बाहर कड़िया मी समान समान समून बाहर कड़िया मेरा समान कट कड़िया मैं आखिया चल बाहर धक्के मरिया भी बाहर कड़िया चल तू बार बार दफा जा तेनों कुछ नहीं होता सानू उपर वाटर आया है सानू उपर अस तोड़नी तोड़नी अच्छ तोड़ी चली गए फटफट पता नहीं लगा। तो कोई आज सवेरे या कल तुम दसा है कि असें आना है इतने दुकान दसिया नहीं उन्हें आखिया तेरे को कागज कुछ हैं कोई मैं कागज हैं बस इो आखे चली गए सवेरे सवेरे अज आइए 11 बजे कल की गल कल कल दो ढाई बजे कल ही कल ये नहीं आखिया भी तोड़नी छोड़ने तुम अपनी रोटी वगैरह बना रोटी बना रोटी शोटी तैयार ही अंदर गाहक बैठ रोटी खाया करते हैं उन्होंने भी कड़िया बाहर चलो बाहर रोटी खाते खाते ठुआ लिया उन्होंने चलो रोटी शोटी रोटी शोटी खानी चलो निकलो बाहर चलो उपरों ऑर्डर आया तोड़नी तोड़नी है तो तोड़ने क्यों ऑर्डर आया कि मतलब कोई इतने कुछ बनाना चाहते बनाना चाहते नहीं कुछ नहीं केशव भवन को पूछा उन्होंने मैं बस वजह दसो कि है केशव भवन सिक्योरिटी सिक्योरिटी इंदी सिक्योरिटी असें बनाना कुछ सिक्योरिटी असें कुछ बनाना है तो म्युनसिपैलिटी ने इन्होंने सिक्योरिटी वाले म्युनसिपैलिटी ने कहा भाई तुम खाली कराओ इन्होंने फिर म्युनसिपैलिटी ने खाली कराया। ये पूरी वारदात है और ये इनकी दुकान है जो पूरी तोड़ दी है। मैं बताऊं कि खाना वगैरह क्योंकि वैष्णो ढाबा है अंदर ग्राहक भी बैठे हुए थे खाना खाने के लिए इन्होंने खाना बनाया हुआ था और म्युनिसिपैलिटी आती है पीला पंजा लेकर इसके यहाँ पर पीला पंजा चलाते हैं। इनके परिवार का क्या होगा ये नहीं पूछा। थोड़े परिवार च कौन कौन है थोड़े घर का गुजारा किया चलता है? चार लड़कियाँ मेरिया एक लड़की 26 अप्रैल ब्याह है तो उनमें मेरा कारोबार खत्म हो गया अगर मैं किसा तो दाल फुल्का चलता है वो भी बंद हो गया पहले लॉकडाउन पहले काम ठीक है उन लॉकडाउन के बाद वो काम का बिल्कुल नहीं रहा खत्म हो गया थोड़ा बहुत दाल फुल्का चलता है माड़ा बेटा बस और कुछ नहीं है बाकी मैं बेकार हो गया हूँ कुछ नहीं कुछ मेरे बारे सोचे कुछ तो मैं अगे चली सका नहीं मैं खत्म मैं म्युनसिपैलिटी ने भी आख्या फिर मैं अपनी बच्चे बुच्चे लिया मैंने अग ला दिए फूक दियो तो सारा खत्म हो जाएगा साहब अग ला दिए दुकान भी मैनू भी अग ला दियो सारा क्रेन मार दियो उपर आखे नहीं जी नहीं तू बाहर निकल मैं धक्के मारे बाहर कड़िया उधर आखिर ट्रेन मारी उन्हें। ये पूरा मामला है परिवार में इनके बेटियां हैं एक बेटी की शादी है गुजारा इसी ढाबे से होता था और आते हैं धक्के मार के बाहर निकालते हैं क्रेन लेके आते हैं पूरा जेसीबी से इसको तोड़ते हैं और चले आते हैं। ये पूरा मामला सामने आया करण नगर के बिल्कुल बाहर केशव भवन है और उसके बिल्कुल साथ का ये ढाबा था जो गुप्ता ढाबा हाईवे ये पिछले 50 साल से चल रहा था जिसे एक मिनट में तहस नहस कर दिया जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। ये म्युनिसिपैलिटी वाले आए थे जम्मू म्युनिसिपैलिटी वाले जम्मू म्युनिसिपैलिटी वालों ने पूरा तहस नहस कर दिया। देखते रहें जेके मीडिया आशीष कोहली कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद जय हिंद।